नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी के एक ऐसे क्षेत्र में और एक ऐसे लोगों के बीच हम मौजूद हैं जहां पर सरकार विकास की बात तो कर रही है, देश में बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन धरातल पर कितना काम हुआ, ऐसे वर्ग के लोगों के लिए कितना सरकार काम कर रही है, इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम इन लोगों के बीच मौजूद हैं जहाँ इनसे तमाम बातें करेंगे कि सरकार वाकई में इनका सुध लेने पहुँच रही है या नहीं, या फिर ये इनके नाम पर वोट बटोरने की एक साजिश चली आ रही है। तो आज हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, सभी वर्ग के लोग मौजूद हैं जहां उनसे तमाम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार इस वक्त जागरूक है या नहीं इनको लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि आपको क्या लगता है। हमें तो कभी कोई मदद नहीं मिला है, यहाँ पे कोई मदद नहीं मिली, नहीं मिला, कभी नहीं आते है सब, हाँ हाँ करेंगे करेंगे, कुछ भी नहीं करते। तो आपकी आपकी जीविका किस तरीके से चल रही है यहाँ पर, कभी विकास के बारे में सरकार या फिर यहाँ का विधायक? मैम यहाँ पे कोई भी नहीं आते, आते तसल्ली दे के चले जाते हैं सब अपना वोट बटोरने के। तो आपको लगता है अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, राजनेता आते हैं तो आए यहाँ पर कोई? आएंगे अभी वोट के लिए आएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कोई मदद है रास्ते के लिए, बोलो लाइट ही नहीं होता है, कभी कभी कोई दिक्कत है परेशानी है, कोई नहीं आता सुनता यहाँ पे। तो आपकी किसी ने नहीं सुनी, कोई सरकार कोई राजनेता ही नहीं आता ना? आप लोगों के लिए कोई सुविधा या फिर आपके लिए कोई चीज योजना वोजना बनाई है? कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे कुछ। आप लोगों ने आवाज उठाई अपनी? है किससे उठाए, कहाँ जाए वो उठाने आवाज, कोई हमारा सुनेगा तभी तो जाएंगे आवाज उठाने। अच्छा। है ना, और जैसे कोई बुलाता है कि चलो मीटिंग में चले गए तुम्हारा ये काम कर देंगे, अच्छा करते हैं, फिर उसके बाद वो दो चार दिन के बाद दिखाई नहीं देता कोई। तो जिस तरीके से मैं भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों के यहाँ पर घर भी हैं, तो यहाँ से आप लोग कैसे जाते हैं, रास्ता क्या है, किस रास्ता? बस ऐसी 50-10 रुपए मिला मिला के कट्टा लगाते हैं। अच्छा। और नदी आती है तो उस पार रह जाते हैं, बीमार वहीं पड़े रहते हैं, मरे हुए वहाँ रह जाते हैं, नदी कम होता है तो हम निकाल के लाते हैं। तो जैसा कि सरकार अभी कोरोना वोरोना चल रहा है तो यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोगों को ये बस्ती में 20 साल कोई हालात नहीं बदला ना, ना कुछ नहीं, कहता हमारा एरिया नहीं पड़ता है, उधर जाते हैं नेताओं के पास वो कहता हमारा एरिया नहीं पड़ता है, इधर आते हैं तो वो कहता हमारा एरिया नहीं पड़ता है, बताओ हम कहाँ जाए। ना आपके पास आती हूँ, तो आपकी वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे आप? नहीं देंगे किसी को वोट नहीं देंगे ना। अच्छा। हाँ 30 घर है, वोट नहीं देंगे जब तक हमारा लिए रास्ता नहीं बनेगा। तो आपकी मांग है कि सरकार पहले आपके लिए रास्ता बनाए। हाँ रास्ता दे बस, फिर आप वोट देंगे। हाँ ठीक है। और आपका क्या मानना है कि यहाँ पर क्या है विकास की दशा? विकास की दशा बहुत बिगड़ चुकी है हमारे यहाँ जो है ना, केंट विधानसभा पहले ये एरिया केंट विधानसभा पहले ये केंट एरिया विधानसभा केंट एरिया में आता था, और ये विधानसभा यानी केंट में तो हरबंस कपूर जी यहाँ से विधायक थे, तो उन्होंने कई बार ये कहा है कि हम जीत जाएंगे तो ये रास्ता बना देंगे, और यहाँ जब वो जीते तो हम लोग उनके पास गए तो उन्होंने सीधा ये कह दिया ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। कहीं भी जाते हैं तो आपको लगता है राजनेता मुकर जाते हैं चुनाव से? मुकर जाते हैं। और बाकी ये पुस्ता जो बना हुआ है, ये लाइट दी हुई है, ये पानी दिया हुआ है, ये सिर्फ राजकुमार विधायक का दिया हुआ है। तो आपको लगता है राजकुमार जी ने यहाँ पर काम किया? हाँ जी, अगर इस समय अगर विधायक अगर राजकुमार विधायक अगर जो जीते होते तो हमारा ये रास्ता भी बना हुआ होता और हमारा बहुत कुछ सुविधाएं होती है। तो अब इस बार क्या राजकुमार जी के चांसेस हैं यहाँ पर? यहाँ से राजकुमार के ही 99% हैं। अगर वो पुलिया बना दे। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पर कुछ कोरोना जैसे आया तो बोलते हैं कि स्वच्छता पर ध्यान देंगे, महामारी किसी ने भी नहीं ध्यान दिया। खजानदास को 5 साल रहते हो गए यहाँ पे, किसी ने खजानदास ने यहाँ के ये भी नहीं देखा कि कभी कोई जिंदा है या मर गया, अगर उनका पार्षद भी है विनीता गर्ग तो विनीता गर्ग जी जो कहती है ना कि अगर उनसे अगर किसी में साइन भी करवाने जाना हो तो वो ये कहती है कि हमारे ये क्षेत्र में नहीं है, और हमारे पास वोटर लिस्ट भी है और हमारे पास सब कुछ है कि ये एरिया किसके क्षेत्र में है, ये राजकुमार विधान यानी राजपुर विधानसभा क्षेत्र में है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो और कोई यहाँ पर कोई मुख्य समस्या हो, मुख्य मुद्दा? ये रास्ता आज 20 साल बसे हो गए, और यहाँ जो है ना पहले हमारे पार्षद थे सुभाष ईसर जी, अब तो वो राजनीतिक से पीछे हट गए, उन्होंने ये पुस्ता बनाया 110 मीटर का राजकुमार विधान वो सुभाष ईसर जी ने, और उसके बाद में हम 4 महीने संपर्क में राजकुमार से आए,
तो उन्होंने हमारी बस्ती में लाइट और पानी की सुविधा कराई है। अगर वो राजकुमार अगर इस बार भी रहते तो हमारा शायद ये रास्ता का समाधान हो जाता। तो मैं अभी आपके पास भी आती हूँ, पर मैं इनसे भी जानना चाहूँगी कि लगातार जो मैडम जी आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ प्रार्थना करके मैं, कि जो है ना ये हम लोगों के जो ये बस्ती बने हुए हैं, अब देखो हम कैसे ये बोरे के कट्टे डाल डाल के नाले पार हो रहे हैं, और आज से नहीं कम से कम 20 साल हो गए यहाँ से, 20-25 साल हो गए, उससे ऊपर ही हो गए हूँ, और आज तक ना यहाँ से पुल बनाए ना कुछ बनाया, लेकिन उसने बनाए थे राजकुमार जी ने, जो भी बनाए थे पूछता उछता उसने, लेकिन आज तक जिसको भी हम वोट देंगे। मैं भी आपसे पूछती हूँ, पर लेकिन मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार यहाँ की तस्वीर दिखा दे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ किस सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, क्या क्या इन चीजों की। ये कहते हैं कि हम 50-50, 100-100 रुपए इकट्ठा करके यहाँ कट्टा 15 दिन में कट्टा लगा के ये अपनी सड़क पार करते, कोई सरकार इनकी सुध लेने को नहीं आती, और किस तरीके से ये अपना रास्ता पार करते हैं, कैसे कैसे अपनी सुविधाओं से वंचित हो रखे हैं, ये भी बहुत ही एक सोच विचार की बात है। और लगातार जो समस्याएं उभर उभर के आ रही हैं, और चुनाव में भी ये वर्ग बहुत ही कीमती है वोटों के लिए, इनकी महत्वता, और ये हर बार राजनेता इन लोगों के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन क्या चल रहा है हकीकत में, हमने आपको लोगों से बातचीत में दौरान बता रहे हैं, तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं सरकार द्वारा, और क्या क्या सरकार आपके लिए काम कर रही है। मैडम सुविधा तो अभी वैसे तो कुछ भी नहीं मिल रही है, दसमाना जी कैंट से विधायक के लिए टिकट उन्होंने भरा है, पर 5 सालों में कभी नजर नहीं आया वो। अच्छा, अब उनका ऐसा है कि जब इलेक्शन आता है तब तो आ जाते हैं वोट मांगने, उससे पहले ये रास्ता देख लो आप, ये बस्ती में अंदर जाके देख लो, बड़ा बुरा हाल है। कोई नदी आती है वो पुस्ता बनना है वहाँ से, अब अगले साल अब ऐसा है बरसातों में मानसून में फिर आएगा पानी, बहने के चांसेस है। अभी पुल बनवाया था हमने अपने पैसों से, वो टूट गई दीवार, देखो अभी दोबारा बनवाई है। तो आ तो जाते हैं इलेक्शन के टाइम पर, उसके बाद 5 साल शक्ल नहीं दिखाते अपनी। जी क्या करने, क्या हुआ, नदी में पानी आया, घर में पानी घुस गया, एक एक कमरे का सामान बह गया, कोई मदद नहीं मिला हमें, कोई चीज की मदद नहीं मिली जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जैसा कि आपने मुझे बताया कि सरकारें सिर्फ वोट के टाइम पर आती है, उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं दिखता, 5 साल अपनी सकल नहीं दिखाते, तो यहाँ पर कुछ विकास कार्य नहीं हुआ या फिर कुछ भी सुविधा आपके सामने ही है, आप खुद भी देख रहे हैं कोई विकास कार्य वैसे तो हुआ नहीं है इस पुस्ते के अलावा, वो भी सुभाषिश सर जी के टाइम में हो गया है, उसके बाद तो कोई विकास का काम नहीं हुआ, हमने पुल भी बनवाया था अपने पैसों से, वो भी बह गया इस मानसून में। तो यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं की आप देख सकते हैं दशा, और किस तरीके से स्वच्छता को मद्देनजर रखा गया है। अगर प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर क्या चीजें चल रही हैं, तो मैं आपको और लोगों से बातचीत करके ये बताती हूँ कि क्या है यहाँ पर हाल। दीदी मैं सुविधा मांगता हूँ यही एक रास्ता का, ये पुस्ता का, मेरे लोग को ये नदी नाला में रहता हूँ, जितने वोट आते हैं वोट लेने के टाइम रहते हैं, तब वोट आते वोटर लिस्ट के खोजने के लिए, वोट लेना हो जाता है तो बोलता है ये छतर हमारे नहीं पाते हैं, हम लोग बच्चे लोग के पानी आते बह जाते हैं तो बच्चे लोग के उस पर भागते हैं, तब भी नहीं भागने की सुविधा मिलता है, तो यही सुविधा मैं मांग रहा हूँ दीदी, जे हमारे लोग के ये रास्ता ये पुस्ते बनाना चाहिए। अच्छा। प्रधान लोग के बोल के तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो यहाँ के विधायक है, विधायक है, विधायक को बोलने जाता हूँ तो विधायक बोलते हैं हमारे ये छतर नहीं पाते आप वोट लेके। अच्छा। तो वो मुकर जाते हैं कि हमारा क्षेत्र ही नहीं आता। हाँ, मुकर जाते हैं अब। तब तो दसमाना जी और वो भी सविता कपूर जी भी आ गए, तो कोई काम कर रहा है आपके लिए? वो सब तो नहीं आया था, अब जिसको चिंता वो, मैं तो बहू बेटी हूँ उसको, जिसको नहीं चिंता उसको तो नहीं बोलता हूँ, अब जिसको वोट लेने के टाइम आते वो ले लेते हैं, और उसके बाद बोलते हैं हाँ बना दूंगी, अब बनाने के टाइम पे मुकर जाते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि राजनेता चुनाव के समय आते हैं और बाद में मुकर जाते हैं? हाँ जी। तो कोई काम नहीं हुआ यहाँ? नहीं, कोई काम नहीं होते, मैं सारे लेडीज अपना धूप के चक्कर से, अभी ठंडा रहता है मौसम, सारे उस पार धूप में जाते हैं, नदी नाला में बैठते हैं। अब आप किसी को वोट में जिताना चाहेंगी, कांग्रेस, भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी? देखो कांग्रेस जीतो, कोई भी भक्ता जीतो, कोई से मेरे को नहीं, लेकिन कोई भी जीतो, लेकिन हमारे लोग के रास्ता चाहिए, पुस्ता चाहिए। ठीक है,
तो इनको रास्ता चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो यहाँ का मलिन बस्ती का है, तो मैं आपको बता दूं कि वो ये है कि यहाँ पर एक सड़क चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, सफाई चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पर एक रास्ता चाहिए जो प्रॉपर एक सबकी मूलभूत सुविधा है। तो और लोगों से बातचीत करके जानते हैं, आप देख सकते हैं कैसे, तो जानते हैं और लोगों से कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की समस्या क्या है और क्या चाहते हैं लोग। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या समस्या है? वही जो बोला है वही होना चाहिए। आप बोलो क्या, आप आपकी क्या राय है, आपकी बात जानेंगे ना। हाँ, तो पूछता है और ये पुल बन जाएगा तो सही रहेगा। अच्छा। बच्चे आगे देखते हैं कैसे बच्चे सो रहता है नदी किनारे में। अच्छा, तो आप किसको वोट में वोट देंगे जो आपका ये काम करे? उसी को देंगे हम। किसको किसको? जो हमारा काम करेंगे इसको पूछता और पुल को, उसी को देंगे हम वोट। अच्छा, तो आपका मानना है कि जो आपका काम करेगा उसको वोट जाएगा? हाँ। पर ये सब तो चुनाव के बाद होगा, चुनाव से पहले तो मुमकिन है नहीं, तो फिर भी आप किसको जिताएंगे? जो होगा जिसको मन में होगा उसको दे देंगे वोट। अच्छा, तो मन की बात सुनेंगे आप आपकी बार। तो और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किसको जिताने वाले हैं इस बार यहाँ के लोग, क्योंकि ये वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार और इनके वोट बेहद कीमती होने वाले हैं जी। तो अभी लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है राय, क्या लगता है आपको, आपकी क्या है यहाँ पर मेन समस्या और क्या है ऐसा उभरता हुआ मुद्दा जो सरकारें आज तक पूरा नहीं कर पाई? यहाँ तक कितने नेता सब आते हैं, कहता मैं वोट दे दो मुझे पुल बना दूंगा, पानी लगा दूंगा, लाइट लगा दूंगा, यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। अच्छा। यहाँ एक हमारे तो रास्ता भी नहीं है, नहीं लाइट है, लाइट था तो लाइट है, बाहर का लाइट नहीं जलता है, पानी की भी समस्या भी नहीं है, बच्चे लोग के पढ़ने के भी नहीं है इसमें। अच्छा। यहाँ पानी आता ऊपर चढ़ जाता है, जाने आने की भी दिक्कत होता है बहुत हम लोग के। कोई नेता आता है वोट ले लेता है, कहता पुल बना दूंगा, पुल नहीं बनाते वो लोग। अच्छा, तो आपकी मेन समस्या पुल है, रास्ता है जी, न पूछता है हमारे वहाँ उतरने चढ़ने के। अच्छा। बच्चे के स्कूल जाने के कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये है मैडम। और क्या आपकी समस्या है यहाँ पर, यहाँ पर क्या चीज चाहिए आपको और किस राजनेता को आप इस बार जिताने वाली हैं? जिताएंगे जो हमारे साथ देंगे उनकी जिताएंगे। किसको? जो भाजपा करेंगे भाजपा को दूंगा, कांग्रेस करेंगे कांग्रेस के जिताएंगे हम लोग। किसी ने यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास किस सरकार ने किया? राजकुमार विधायक ने करा था। अच्छा, तो राजकुमार जी ने यहाँ पर काफी हद तक विकास किया जी। राजकुमार विधायक ने लाइट लगवाया, राजकुमार विधायक ने पानी लगवाया, राजकुमार विधायक जी ने कहा मैं रास्ता बनवा दूंगा, मैं जीत जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे सहारा करता। और वो और आता है नेता कुछ नहीं करके जाते है, सीधा वोट ले लेते हैं चले जाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं करते है। अच्छा अच्छा, तो मैं भी आपके पास भी आती हूँ और मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है यहाँ की क्या समस्या है मेन? यहाँ की मेन समस्या रास्ता है और पूछता है, पूछता के अलावा रास्ता पूछता और बिजली पानी मेन समस्या यही है। अच्छा, और तो इसके अलावा कौन सा राजनेता आपको लगता है जो यहाँ पर काम करेगा इस वक्त? कोई जो भी आता है कह के चले जाते हैं कि हमें वोट देना, हमें देना। वोट देने के वक्त तो हम लोग वोट दे देते हैं, जिसके बाद वो चले गया फिर घूम के नहीं आता है। अच्छा। एक राजे कुमार विधायक है, से वो आया, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, और वही पानी लगवाया था, वही बिजली लगवाया। इस बार किस आने के तो सब नेता आते हैं, राजकुमार जी भी आए थे। अब वो कह कि सरकार आएगी तो वो कह रहा है कि रास्ता बन जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार काम कर रही है यहाँ पर? राजकुमार। और क्या समस्या है आप लोगों की? रास्ता को, रास्ता की जी। अच्छा, और कुछ आपको लगता है कि जो आपको चाहिए सुविधा यहाँ पर, जो यहाँ पर कोई सरकार नहीं कर पाई, कुछ है ऐसा काम? पुस्ता के लिए बहुत है, पानी आता है ना तो सारा घरी में भर जाता है। अच्छा, तो बाढ़ वाड़ या पानी वानी बारिश ज्यादा होती है तो आपके घरों में पानी आ जाता है? जी। तो उसके लिए सरकार आई है कभी आपके पास? जी नहीं, शिकायत भी कर रहे हैं तो नहीं आए हैं। नहीं आई सरकार? आपका क्या मानना है इस पर, आपका क्या मानना है? कोई नहीं आई सरकार? नहीं, कोई नहीं आए। घर में पानी घुस जाता है, सामान बह जाता है, हम लोग के राशन पानी सब बह जाता है, कभी नहीं कोई सुविधा दी है सरकार। तो कोई सरकार आपका सुध नहीं लेती? नहीं। कुछ काम किया है किसी सरकार ने आपके लिए? किया है राजकुमार है जो विधायक, उन्होंने किया है, लाइट लगवाया, पानी लगा। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार को आप जिताओगे? जो हमारे वो करेंगे उनको जिता देंगे। आपका क्या मानना है? राजकुमार जी, वहाँ लाइट पानी लगा दिया, बच्चे को पढ़ाएंगे कहीं, पढ़ने लिखने के बच्चा की सुविधा दे दो, पानी आता है तो बच्चा उस पर नहीं जा सकता है ना, नहीं जा सकता है, नहीं आ सकता है, बहुत पानी आ जाता है। अच्छा अच्छा,
तो इसीलिए। और कुछ है आपकी समस्या यहाँ पर इसके अलावा? यही है बस, कुछ नहीं है। अच्छा, तो और लोगों से भी जानते हैं आपको, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या है समस्या में? पुल बनवा दो। पुल बनवाने? और क्या समस्या है? और लोगों से जानते हैं कि क्या क्या समस्या है मेन, और सब लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या समस्या है? बहुत बढ़िया समस्या अभी था, पुल नहीं बन रहा, नदी है, नदी में चल रहे हैं। तो आप लोग कैसे जाते हैं? ऐसी गट्टा लगा ऐसी जाते हैं लोग, नदी में जाते हैं। बहुत परेशानी सामना करना, परेशानी सामना करते हैं। अच्छा, सामना करना पड़ता है नदी से। अच्छा अच्छा, जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। और लोगों से भी जानते हैं कि क्या है? तो भीग जाते हैं, पूरा पुल टूट के चला जाता है। अच्छा, घरों में पानी घुस जाता है, पार करके जाना पड़ता है। क्या क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या क्या मूल मूल समस्याएं हैं आपकी? यहाँ पर समस्या यही है ना कि एक तो पुस्ता सही नहीं है, जब भी नदी आती है ना तो हमें सीढ़ी लगा के उस साइड ना भागना पड़ता है। अच्छा। तेज नदी आती है तो अच्छा। अब मतलब कि पानी आने का डर बहुत लगता है, तो बच्चे बुच्चे लेके सामान लेके उस तरफ हम भागते हैं। और एक तो पुल भी नहीं है, जब भी नदी आएगी उस पार लोग ना जितने भी है काम पे जाने वाले सारे उस पार 2-3 घंटे खड़े रहते हैं, और जितनी देर तक मतलब नदी आई, अगर बारिश आएगी तो और तेज नदी आएगी तो बस 5-6 घंटे लग जाएंगे उस पर खड़े रहो। तो मतलब काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? हाँ, इस नदी के ही वजह से। तो कोई सरकार ने आपके लिए काम किया, कोई पुश्ते या फिर सड़क वड़क का कुछ? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, बस वोट का टाइम आता है तो बोलते ये करेंगे वो करेंगे बस। तो आपको लगता है वोट के टाइम पर सरकारें आके वादे करती हैं? हाँ बस। तो वैसे कोई सरकार ने यहाँ पर कुछ लाइट या फिर कोई पुल की सुविधा नहीं प्रोवाइड कराया? मतलब एक मतलब किशन नगर में ना कोई था तो उन्होंने बोला ना पुल हम बनवा दे रहे, तो पुल के आधे पैसे सब लोगों ने मिल के दिया था, आधे उन्होंने दिए थे, तो पुल नदी आई ना तो टूट गया। अच्छा, तो पुल था यहाँ पर जो टूट गया? हाँ, वो भी इस बस्ती में पैसे जोड़ जोड़ के बना। कच्चा पुल था क्या? नहीं था, तो वो इस लोहे का ही था लेकिन पूरा मजबूती का नहीं था ना। अच्छा अच्छा। और इस पूरे एक किसी ने 100 रुपये किसी ने 500 रुपये दे के इकट्ठा करके बनाया था। अच्छा अच्छा, तो आपने मतलब थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर फिर हाँ, एक बनवाया था। हाँ, पर लेकिन अब वो नहीं है। नहीं, इस बार नदी आई थी ना बरसात के टाइम पे तो वो टूट गया। तो आप किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो अभी कोई मदद करेगा तभी देंगे, वरना नहीं देंगे वोट। तो अब तो क्योंकि इलेक्शन 14 को है, 14 फरवरी को, इसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा, लेकिन सरकारों की तो आपने पहले से तय करा होगा ना कौन सी सरकार को आप वोट देंगे, भाजपा कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, कौन सी आपको? अभी तो जो पुल टूटा था ना तो वो भाजपा लेके गए हैं बनवाने के लिए। अच्छा, सॉरी कांग्रेस। अच्छा, हाँ, राजकुमार जी। हाँ हाँ। अच्छा, तो वो जब बनवा देंगे पुल हमारा तो हम उनको ही वोट देंगे। ठीक है, तो मतलब अगर राजकुमार जी पुल बनाने का वादा करेंगे तो आप उन्हें वोट दे देंगे? हाँ ठीक है। और आप इस बस्ती में रहकर आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ये बस्ती में रह के जी सबसे पहले तो ये नदी के सामना कर पड़ रहा है पानी का जी। और उस तरह पूछता भी नहीं है, और बच्चे बीमार पड़ गए या कोई बात हो गया तो आना जाना परेशानी, सबसे समस्या यही चलना है। अच्छा, बाकी इसके अलावा और सब ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि कोई सरकार आपके पास आई इन समस्याओं को लेकर समाधान करने के लिए? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इतने साल हो गया कोई सरकार, जब इलेक्शन आता है तो हाँ हाँ करते, इलेक्शन होता है दिखाई नहीं देते। तो आपकी समस्या कौन सुन सकता है, कोई सरकार है या कोई नेता आया आपके पास? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया, हम तो 11 दिन पे हॉस्पिटल से आ रहे। अच्छा, हाँ देख रहे मेरा हालत है, हॉस्पिटल में 11 दिन पे आया। अच्छा अच्छा, हाँ। तो सबसे समस्या यही है कि आप यदि कोई गवर्नमेंट ऐसा हो या पुल बना दे या पुस्ता बना दे, थोड़ा पानी की रोकथाम हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से या किसी नेता से। ठीक है, तो मतलब आपकी मेन समस्या यहाँ पर रास्ता होना चाहिए जिससे कोई देर में रात कोई परेशानी का कोई परेशानी ना हो। अब हाँ, अब कोई इमरजेंसी गुजर गया, अब कैसे लेके आवे, कोई बात हो गया हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे, अब उसमें पानी आ रहा मेरे। क्या आपको आपको क्या लगता है कि क्या समस्या हुई यहाँ पर? हम सोच रहे भी रास्ता बन जाए, एक पुस्ता बन जाए, जब नदी आती थी हम लोगों को बहुत डर लगता, सबसे पहला सब जान पे अटकी रहती है, और कुछ नहीं चाहिए हमें।
तो मतलब आपके लिए यहाँ पर सबसे मेन समस्या पुश्ते की और सड़क की पुल की है, जिससे कोई देर भर रात कुछ परेशानी? हाँ, रात को बड़ी दिक्कत हो जाती है, इधर का इधर फंस जाते हैं, उधर का उधर ही फंस जाते हैं। तो सरकार ने सुनी आपकी ये समस्या? जी, अभी तक तो कोई नहीं सुना। तो कोई सुनता नहीं आपकी बात? नहीं सर। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर है कोई समस्या आपका समाधान करने का कोई नेता? यही समस्या है कि रास्ता बन जाए, लोग के आने जाने में ठीक दिक्कत होता है, यही चाहिए। और कोई सरकार ने सुनी आपकी बात? कोई बात नहीं सुनी सरकार। तो अब इलेक्शन आ गए हैं, कोई आई सरकार आपको ये वादा लेकर कि हम सड़क बनाएंगे? कोई नहीं आया अभी तक ले। अच्छा, कोई नहीं तो आया। मतलब आपको लगता है कोई नहीं आया और कोई कर पाएगा ये? कोई नहीं कर पाएगा ये। इतने सालों में कुछ हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ अभी तक ले। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने मलिन बस्ती, जी हाँ, और मैं आपको ये बता दूं कि ये लोकेशन कौन सी है, आप राजधानी में ज़रूर आए होंगे और बिंदाल पुल के नीचे जो एक नाला बहता है उसके आसपास जो ये लोग रहते हैं, किस तरीके से अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं, वो बेहद मुश्किल से भरी हुई है। हमने तमाम लोगों से बातचीत की तो तमाम लोगों का यही मानना है कि सिर्फ सरकार वोट के टाइम पर इनके वोट बटोरने के लिए आती है और वोटों के नाम पर राजनीति कर जाती है, और गरीब वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ करना है वो सब उनको बहला फुसला कर ये वोट बटोर कर ले जा लेती हैं। तो उसके अलावा जो इनकी तमाम समस्या थी, तमाम मुद्दे थे, वो कुछ इस प्रकार से थे कि यहाँ पर इनके पास कोई भी इस साइड से उस साइड जाने के लिए कोई पुल पुश्ता या फिर कोई भी सड़क की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है। इसके अलावा जब भारी बारिश होती है तो यहाँ पर जो ये नाला है वो उफान जाता है और तमाम समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है। तो कई सारी समस्याओं के चलते इन लोगों ने कुछ निर्णय निकाला है कि शायद जो इनकी समस्या को सुनेगा वही सरकार इनके लिए सबसे अच्छी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया, नमस्कार।